अच्छा मेरी बात सुनो, ये पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? नहीं। कार्ड दे दीजिएगा। कार्ड भी नहीं है। कार्ड भी नहीं है सर। सर डायरेक्ट बॉडीगार्ड बुला रहे हो यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं मेहरान और आज है दूसरा रोज़ा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कोशिश करूंगा रोज़ एक व्लॉग आप लोगों के लिए बनाऊं, तो ये दूसरा रोज़ा है और मैं फिर आप लोगों के लिए हाज़िर हूं। कल इफ्तार के टाइम पे मेरे दिमाग में इस वीडियो का आइडिया है जो मैं अभी बना रहा हूँ। कल जो मेरे साथ हुआ ना, वो सबको बताना चाहूँगा ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं बड़े मतलब खुशी से बैठा था कि यार इफ्तार करूँगा, मज़ा आएगा, सामान वगैरह जो मैंने आप लोगों के सामने लिया हुआ था। लेकिन मेरी फेवरेट चीज़ जो इफ्तारी में होती है वो होती है फैनी। फैनी का आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं पिक्चर लगा रहा हूँ यहाँ पे, सब ने तकरीबन खाया होगा, दूध में खाते हैं इसको। तो फैनी मैंने बनी हुई थी घर पे, मैंने जब एक दो निवाले लिए उसके, तो भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। तो मैंने घर वालों से पूछा, मैंने कहा यार ये कैसे बनाया आप लोगों ने, तो उन्होंने कहा हमने ठीक बनाया, आप कौन सी फैनी लाए हो। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा पिछले रमज़ान में रोज़ जहाँ से फैनी लेता रहा, ये वाली मैंने वहाँ से नहीं ली है, मेरे पास टाइम कम था तो वैसे ही मैंने किसी भी मार्केट से ये उठा ली थी बिना देखे। तो अब मुझे एहसास हुआ यार बात तो ठीक है, गलती तो मेरी अपनी है, तो मैं दूसरे को क्यों बोल रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये पूरी वीडियो जो है वो फैनी पे बनाता हूँ, तो जिन लोगों को मेरी तरह फैनी पसंद है उनकी इफ्तारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को वो जगह दिखाऊँगा जहाँ से मेरे हिसाब से कराची की बेस्ट फैनी मिलती है। इसके फैनी का जो मज़ा है ना, वो आपको बता नहीं सकता। अभी इंशाल्लाह मैं जाके बाइक निकालूंगा, टाइम कम है, 4:15 ऑलरेडी हो रहे हैं, मैं 6:30 तक वापस आना है। तो क्योंकि है भी वो थोड़ा सा जगह मुझ मेरे घर से थोड़ा दूर है, वहाँ जाऊँगा, फैनी लूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। हमारे साथ रहिए, फ़िलहाल के लिए वेट कीजिए जी। तो हमने अपना सफ़र यहाँ से शुरू कर लिया है और हम जाएंगे फैनी लेने के लिप्टन पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि रोड है, रश है, शोर है, क्योंकि ये है कराची का रोड। यहाँ पे शोर और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल होगी बात करना, लेकिन आप लोगों के लिए हम कोशिशें करेंगे इंशाअल्लाह। अभी खैर यहाँ से मैं निकला हूँ, अभी ज़रा जाऊँगा बाइक चलाऊँगा। मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को ये शॉट भी दिखा दे, आप लोग ज़रा ये भी इंजॉय करें ना। अगर बाइक राइड में पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट करके, फिर पूरा वो गोप्रो वगैरह लगा के ना, सब कुछ लगा के इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्ती वीडियो बनाएंगे। अभी तो बस आप लोगों को थोड़ा रोड का मज़ा दे रहे हैं। अभी यहाँ पे ये जो माई गुलाची वाला रोड है, यहाँ पे हमें रोड थोड़ा सा खाली मिलेगा जहाँ पे हम थोड़ा भगा भी पाएंगे और शोर भी ज़रा कम होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। हाँ रेस रेस, अभी मैं रेस के मूड में नहीं हूँ, मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है मेरे भाई, ब्लॉग शूट हो रहा है जी। तो यहाँ पे ज़रा रश और हवा ये सब कम है, तो यहाँ से मैंने वीडियो ऑन की। खैर ये भी हम हैं इधर हाइबर स्टार की तरफ, यहाँ से हम अपनी हमारी मंजिल में थोड़ी दूर है यहाँ से। वैसे है ये मेरे घर के करीब भी, जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है यूनाइटेड बेकर्स, ये मेरे घर के करीब भी इसके एक दो ब्रांच हैं, लेकिन मुझे ज़रा हवा भी खानी थी और ज़रा थोड़ा सा चक्कर भी लगाना था, तो मैंने कहा इस तरफ निकलता हूँ, वरना गार्डन मेरे घर से काफ़ी करीब है, मैं वहाँ से भी ले सकता था ये, लेकिन फिर भी मैंने कहा यहाँ ज़रा चक्कर भी लग जाए और आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा सा ब्लॉग भी बनाऊं। तो अभी बस जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। टाइम है भी 5 बज रहे, 6:30 बजे अजान होती है, काफ़ी टाइम है अपने लिए। फैनी भी लूँगा और कुछ खाने का सामान भी लूँगा, एंजॉय करते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है और आप लोग बोर नहीं हो रहे। जी तो फाइनली मैं यूनाइटेड बेकर्स पे पहुंच चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को यहां से दिखा देता हूं, ये रहा जी यूनाइटेड किंग, सॉरी मैं इसका नाम गलत ले रहा था, ये है यूनाइटेड किंग। यहां पे मैं पहुंच चुका हूं फाइनली और अंदर जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं किस फैनी का जो है वो फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे भाई? फैनी कहाँ से मिलेगी?
ये जी ये, लेकिन मैं तो ये वाली लेता हूँ। वेजिटेबल? हाँ ये वाली लेते हैं ना, मैं कौन सी लेता हूँ हमेशा? वेजिटेबल बेहतरीन है तो मेरे ख्याल में मैं यही लेता हूँ हमेशा, प्रीमियम क्वालिटी की। ये कौन सी है? देसी घी वाली है ना? ना ना, अच्छा देखिए अब सबका अपना पसंद होता है, मुझे जो पसंद है वो ये वाला पसंद है, देसी घी वाला मैं खास मुझे पसंद नहीं, मैं ये वाले डब्बे लेता हूँ हमेशा। तो ये मुझे दो ना यार, चार डब्बे दो दो, मेहरबानी होगी आपकी। लाइटिंग का क्या इशू है? अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉकर नहीं भाई, यूट्यूबर। टिकटॉकर गलत बात नहीं कर रहा। हाँ इमरान हाशमी का जोड़ा भाई, सारे जानते हो माशाल्लाह। और आप लोग सेट हो सारे? सारे हाथ दिलाओ कैमरे में एक बार। कहाँ है पहनी? ये तो टोकरी में डाला है आपने। ये रहा भैया, यहाँ पे आएंगे जरा काउंटर पे। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे हैं। हाँ जी, अच्छा मेरी बात सुनो, ये पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? नहीं। कार्ड दे दीजिएगा। कार्ड भी नहीं है? कार्ड भी नहीं है सर। डायरेक्ट बॉडीगार्ड बुला रहे हो यार? मैं बच्चे की जान लोगे क्या? मेरे लिए आप खुद ही काफ़ी हो। तो आज यार एडजस्ट कर लो, रमज़ान है यार, अगर चार डब्बे दे दिए तो क्या हो गया? दे दो यार भाई, तो फ्री में तो नहीं दे रहे मेरे ख्याल है, फिर पैसों भी लेते। ये लो कार्ड ले लो। कितना पैसे? कितने पैसे? 1054 हो गया। चलो कैश ले। किस पे डिस्काउंट है? मेरे पास मीज़ान नहीं है यार, शिट। मेरे पास बैंक का हबीब है, MCB है और UBL है। हाँ जी, UBL का डेबिट कार्ड है ना, मास्टर कार्ड है। लेकिन हाँ डेबिट ही है। बोलो एक मिनट। अच्छा UBL के डेबिट कार्ड पे डिस्काउंट भी है, मैं अभी आप लोगों को बताता चलूँ, तो अगर किसी के पास है तो ट्राई कर सकते। ये रहा जी UBL का डेबिट कार्ड, ये रहा सर। इस पर कितना डिस्काउंट है बताएंगे? अच्छा 10% डिस्काउंट मिल गया हमें, 10% डिस्काउंट मिल गया। पेन एंटर करते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी। तो यहाँ से जो है सामान हमने ले लिए, सब कुछ एक हाथ से व्लॉग एक हाथ से एडजस्ट करना पड़ रहा है, काफ़ी मुश्किल है लेकिन करना पड़ रहा है, क्या करें। ये काम हमारा यहाँ से हो गया, अभी यहाँ से निकलता हूँ ज़रा जी। तो फैनी मैंने ले ली, अब यहाँ से टाइम कम है और घर जाना है, इफ्तार से पहले पहले पहुँचना है, तो अभी घर जाऊँगा, ये फैनी बनवाऊँगा और खा के आप लोगों को अपना फाइनल रिव्यू दूँगा। अभी इंशाल्लाह घर पर मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जी, तो फाइनली घर आ गया था मैं, अज़ान भी हो गई, इफ्तारी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अभी आराम से आके यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने कहा आप लोगों को जो मैंने कहा था कि मैं फैनी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, मैं सबको इफ्तार वगैरह हर चीज़ कर चुका हूँ, अभी आधे घंटे बाद मैं ऊपर रिलैक्स होके आया हूँ। ये फैनी थोड़ी सी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लाया था, ये रही जी फैनी। इसको बनाने का और खाने का हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई गर्म खाता है, कोई ठंडी खाता है, कोई सहरी में खाता है, तो कोई इफ्तारी में खाता है, सबके अपना पसंद होता है। बाकी मैं तो इफ्तारी में खाता हूँ और भी गरम। तो ये वाओ, ये है अमेजिंग फैनी। मैंने फैनी बहुत खाई है, मैं बहुत शौकीन भी हूँ इसका, लेकिन जो इसमें मज़ा है ना, ये जो यूनाइटेड की, क्या बात है यार, क्या कहें। अभी मैं फ़िलहाल व्लॉग को एंड करता हूँ यहीं पे, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा 10-12 मिनट के व्लॉग्स बनाऊँ, कभी कभी वीडियो लंबी बन जाती है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता यार, तो आप लोग उस पर ज़रा रिलैक्स हो जाया करें, गुजारा किया करें फिर। बाकी फ़िलहाल के लिए वीडियो को बंद करता हूँ। आप लोगों से एक सजेशन चाहिए और क्या व्लॉग बनाऊँ, कौन से खाने आप लोगों को दिखाऊँ इफ्तार के लिए, मैं क्या खाऊँ, मुझे सजेस्ट करें। कराची में जितनी जगह है मुझे बताएं, कमेंट में बताएंगे आप लोग, जिसकी जगह मुझे समझ आएगी कि हाँ यार ये ट्राई करना चाहिए, उसका नाम भी अपने व्लॉग में इंशाल्लाह मेंशन करेंगे। फिलहाल के लिए व्लॉग को एंड करते हैं। आप लोगों से आखिरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ। मैं आपसे इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।